कुछ ही दिनों पहले, महीना पहले आपने देखा लेह के सारे मजहबी और टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी। कहा लेह सरजमीन का कोई भी जमीन गैर लेह वालों को, लद्दाखियों को नहीं बेचेंगे। ये हमारी है और इस इंडस्ट्री पे हक हमारा है और हम किसी यूटी को नहीं मानते हैं, किसी सरकार को नहीं मानते हैं। अगर किसी ने भी खिलाफ वर्जी की तो उन खिलाफ वर्जी करने वालों का हम सोशल बायकॉट करेंगे। हम उनके सेटअप्स को खुशामदीद कहते हैं। हम डे फर्स्ट से कहते हैं ये यूटी एक फंदा है। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं ये यूटी एक झुंझुना है। जम्मू कश्मीर की तकसीम एक शबी खून है। हमें हुकूक दिया नहीं जा रहा, हमारे हुकूक सलब किए जा रहे हैं। आज इन्होंने समझ ली, हम वेलकम करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं। आओ हम सभी लद्दाखी मिलके यहाँ की सरजमीन के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए, यहाँ के जवानों के लिए, यहाँ की जमीन के लिए, यहाँ की आबहवा के लिए, यहाँ की माहौलियात के लिए, यहाँ की सूरज की तपती हुई किरणों के लिए, यहाँ की हवा के लिए मिलके जिद्दोजहद करें। अगर नहीं किया तो ये सारी चीजें हमसे छीन ली जाएगी। उठो करगिल वालों, बहुत खूबसूरत झुंझुना दिया। कहते हैं यूटी के बाद पैसे दरिया के पानी की तरह बहेगा। लेना करगिल और पहन लो पहले शख्सरिया चमैन, पहले अनूप से, अनूप से गोथो चमैन। वाकई दक्षिण अब तो दिखाई दे रहा है कि कुछ भी नहीं है, हमें अपने सर भी दिखाई नहीं दे रहा। पैसे के नाम पे कागज के एक फाइल इस हाथ से आता है और इस हाथ से कैसे चला जाता है कि किसी भी लद्दाखी को पता भी नहीं चलता। कहते हैं यूं से दुलशु, इसके बाद जब हम पूछते हैं गार्डू खेड़े में दुलशु। अजीजो ये हमारी हाल है। अब भी उठो एक दूसरे पे बपती कसने के बजाय अपने गिरेबान में सर डाल के सोच लो। अब भी न जागे तो एक दिन वो आएगा कि आपके इस पूरे लद्दाख में एक ही ड्रेस होगी, वो बगवा ड्रेस होगा। एक ही कल्चर होगी, वो हिंदुत्व की कल्चर होगी। एक ही जबान होगी, वो हिंदी जबान होगी। तो अजीजा ने गिरामी, लिहाजा अपनी कयादत पे फख्र करें, अपनी कयादत पे नाज करें और इंशाल्लाह इसी तरह मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ मजलूमों की हिमायत में और जालिमों के खिलाफ खड़े रहें। चाहे मजलूम फलस्तीन का हो, यमन का हो, बहरीन का हो, पाकिस्तान का हो या हम और आप के इस खित्ते का हो। आज एक बहुत बड़ी मजलूमियत से हम और आप भी गुजर रहे हैं। हम और आप ने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से हम और आप के हुकूक पर भी एक डाका डाला गया और हम और आप के जो लीगल राइट्स थे, पॉलिटिकल राइट्स थे, छीन लिया गया और हम एक हस्ती खेलती रियासत को बेदर्दाना अंदाज में तकसीम किया गया। बदकिस्मती से आज भी हजारों जवान आज हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहे हैं। आज हमारे अपनी जमीनों पर जो मालिकाना हक है उससे भी हम धीरे 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 महरूम हो रहे हैं। जहां कहा गया था कि हम सड़कों पर सोना बिछाएंगे, हमें प्याज और टमाटर के लिए लाइनों में लगा दिया जाता है, राशन कार्ड हाथ में थमा दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा हम और आपके लिए अफसोस का मौका है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत जिस पर पूरी दुनिया को नाज
होता है और हम भी जब बाहरी मुल्कों में जाते हैं तो हम भी बड़ा नाश करते हैं, हम कहते हैं कि हम गांधी के देश से आए हैं, और हम भी बड़ा नाश करते हैं कि हमारे मुल्क में ये जो जमहूरियत है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है जिसने हमें ये आज़ादी दी है कि हम इजहार इख्तलाफ कर सकते हैं, इजहार राय कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया में हमें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे आज़ादी इजहार को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं हमारे जवानों की रिक्रूटमेंट को बहुत जल्द इसको फुलफिल की जाए, और जितने भी खाली पोस्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पूर किया जाए, और इसके अलावा इस खित्ते के लोगों को के जो कानूनी हुकूक छीने गए हैं, जो सेफगार्ड छीने गए हैं, वो दिए जाएं। और ये दर्द करगिल का, लेह का, यहाँ के मुसलमानों का, यहाँ के बुद्धिस्टों का, सबका मुश्तरिका दर्द है, और हम सब इस दर्द में एक साथ शरीक हैं।